देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बड़े बदलाव होते हैं और ये बदलाव सीधे ही आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं। अक्टूबर के महीने के बाद नवंबर के महीने की शुरुआत और नवंबर महीने की शुरुआत में ही देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इनका सीधा असर आपके घर के बजट पर भी देखने को मिल सकता है। हर महीने की पहली तारीख को नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान सरकार की तरफ से लागू होते हैं और इस वीडियो में भी हम यही जानेंगे। नवंबर अपनी शुरुआत के साथ ही कुछ नियमों में बदलाव लेकर आ रहा है जो सीधे किसान भाई, नौकरी पैसा, महिलाओं की कमाई और खर्च पर असर डालने वाला है। इंश्योरेंस क्लेम, बिजली सब्सिडी, व्हीकल से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी लागू होने वाले हैं। बीमा से जुड़े अपडेट भी जानेंगे, लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा अपडेट भी देखेंगे, लोन को लेकर भी बड़ा अपडेट जानेंगे। 1 नवंबर 2023 से लागू होने वाले बड़े बदलाव, नए नियम जो आपकी जेब से लेकर किचन तक पर असर डालेंगे। शुरुआत करते हैं, पहला बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम नियम में बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय बीमा नियामक यानी IRDAI 1 नवंबर से ही बीमा कंपनियों के लिए KYC डिटेल अनिवार्य करने जा रहा है। मौजूदा नियमों के अनुसार नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय KYC डिटेल देना इच्छा पर आधारित था, यानी मैंडेटरी नहीं था। नए बदलाव को 1 नवंबर से लागू किया जा सकता है। इससे इंश्योरेंस क्लेम अप्लाई करते समय KYC डिटेल और डॉक्यूमेंट करना जरूरी होगा। इस फैसले से इंश्योरेंस क्लेम के फर्जी मामलों को रोकने में भी मदद मिलेगी। दूसरा नियम बदलाव आप देख सकते हैं, बिजली सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। राजधानी दिल्ली के नागरिकों के लिए बिजली सब्सिडी नियम में 1 नवंबर से बदलाव होने जा रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करने वालों को 1 नवंबर से सब्सिडी नहीं देगी। सब्सिडी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है। तीसरा अपडेट, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की विंडो खुलेगी। पेंशन भोगियों को बिना रुकावट मासिक पेंशन पाने के लिए बैंकों और डाकघरों में जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है। 1 नवंबर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की विंडो खुलने जा रही है। ये विंडो 30 नवंबर तक खुली रहेगी, यानी पेंशन भोगियों को 30 नवंबर तक हर साल हर हाल में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। चौथा बदलाव, ऑफर का लाभ आप भी ले सकते हैं, बैंक लोन से जुड़ा अपडेट है। SBI नहीं ले रहा ऑटो लोन प्रोसेसिंग चार्जेज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को फेस्टिव सीजन ऑफर का लाभ देने की घोषणा की है। ऑटो लोन लेने वाले ग्राहकों से प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। SBI बैंक ने कहा कि प्रोसेसिंग फीस छूट ऑफर पूरे फेस्टिव सीजन के साथ ही जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। अपडेट नंबर 5, बैंक लोन से जुड़ा हुआ है। बैंक कर्जदारों को परेशान नहीं कर सकेंगे रिकवरी एजेंट। इसका फायदा किसान भाइयों को भी मिलेगा। बैंक से हम लोन लेते हैं और लोन अगर समय पर चुका पाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है तो बैंक वाले या रिकवरी एजेंट जो है वो परेशान करते हैं। तो ऐसे में अब RBI ने नया नियम बनाया। RBI ने यह प्रस्ताव दिया कि रिकवरी एजेंट ओवरड्यू EMI या लेट पेमेंट की वसूली के लिए लोन धारक या उसके गारंटर को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल करने से मना किया गया। वित्तीय संस्थान और उनके वसूली एजेंट लोन धारकों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर पाएंगे या फिर बैंक या ऑफिस में भी नहीं बुला सकते हैं। RBI ने अपने नए नियमों के प्रस्ताव को लेकर वित्तीय संस्थानों से 28 नवंबर तक आपत्तियां मांगी और इन आपत्तियों के बाद अब RBI इस पर रिव्यू करेगा और रिव्यू के बाद इस तरह के नियम भी लागू हो सकते हैं। अपडेट नंबर 6, 1 नवंबर से BS4 डीजल बसों की दिल्ली में एंट्री बैन। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने नाराजगी भी जताई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार और उसके दिल्ली परिवहन विभाग एवं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने प्रदूषण के नाम पर हरियाणा, राजस्थान और UP की डीजल BS4 बसों को 1 नवंबर 2023 से दिल्ली में एंट्री बैन करने का फरमान जारी किया है। अपडेट नंबर 7, इंपोर्ट को लेकर डेडलाइन 30 अक्टूबर तक सरकार ने HSN 8741 कैटेगरी के अंदर आने वाले लैपटॉप, टैबलेट और कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर छूट दी थी। हालांकि 1 नवंबर से सरकार इसको लेकर नियमों में बदलाव करेगी या नहीं, इस विषय पर सरकार ने अभी तक फिलहाल फैसला नहीं लिया है। इसके अलावा GST के नियम भी बदलने जा रहे हैं। NIC के अनुसार 100 करोड़ या उससे ज्यादा का बिजनेस करने वालों को 1 नवंबर से लेकर 30 दिनों तक ई चालान पोर्टल पर GST चालान अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये फैसला GST अथॉरिटी की तरफ से सितंबर में ही लिया गया था। अपडेट नंबर 9, BSE को लेकर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE ने इसी महीने 20 अक्टूबर को ऐलान किया था कि 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेन देन शुल्क बढ़ा दिए जाएंगे। डिटेल और आप देख सकते हैं। और अपडेट नंबर 10, गैस सिलेंडर की कीमतें कम या ज्यादा, बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिलता है। या तो बदलाव होता है या नहीं होता है, लेकिन अपडेट जरूर आता है। तो ऐसे में 1 नवंबर को भी गैस सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं, कॉमर्शियल के बदल सकते हैं, घरेलू के सेम रह सकते हैं या फिर दोनों के बदल सकते हैं। जो भी अपडेट आएगा 1 नवंबर को स्थितियां साफ होगी। तो ये दोस्तों 1 नवंबर 2023 से लागू होने वाले नियमों के बारे में अपडेट जानकारियां थी। Part 1, Part 2 जैसे ही अपडेट होगा आपको जरूर बता दिया जाएगा। ऐसी ताजा खबरों के अपडेट हर रोज मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही एक बार फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मोबाइल पर काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो है वो हर रोज आपको दिखाई देते रहेंगे। इस वीडियो को फिलहाल करते हैं यही विराम।
श्याम। एक और नए अपडेट जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।